सब लोग शांत बैठे हैं, लेकिन उन्होंने घर की हालत जो की है ना, बच्चों को बाहर छोड़ने में भी डर लग रहा है। तो पहले मैं इसको ठीक करवाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आप कि किस तरीके से ये जो हमारी ग्रीन शीट है पूरी ख़राब कर दी है, पूरी तोड़ दी है, ऊपर से पूरी तारे वगैरह इसके गिर चुकी है। हालत मतलब बहुत ख़राब है। और ये देखिए ऊपर से हवा तूफ़ान बहुत ज़ोरों से चल रहा है। और यहीं पर जो है यहाँ पर मंकी बैठे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखो दो मंकी आपको दिखाई दे रहे होंगे, तीन है ये देखो। और ऐसे इन लोगों का एक पूरा झुंड आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक जामुन का पेड़ भी है जो पूरा फलों से लदा हुआ है। और ये देखिए दोस्तों हमारे घर के बाहर जो है, यानी एकेडमी के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हैं। और ये हमारे पास इस कलर का भी है, वाइट कलर का भी है और येलो कलर का भी है, और सबसे ज़्यादा यही खिला हुआ है। बहुत दिनों बाद एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा लगने वाला है। और सबसे पहले कल की वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, यानी जब भी वो वीडियो कल या परसों आई होगी, कल या परसों, हाँ परसों ही आई होगी, वो कॉमेडी वाली ईमानदार बहू की जो सास थी, आप लोगों ने वो कैरेक्टर पसंद किया, उसके लिए आपका दिल से बहुत 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 धन्यवाद। और आपने देखा, आपने समय निकाला, आपने कमेंट किया, आपने लाइक किया, आपने अपने अलग अलग ग्रुप में शेयर किया इंस्टा स्टोरी पे। और किरण चौहान जो कि हिमाचल से है, उन्होंने अपने स्टेटस में उसको रखा, थैंक यू सो मच किरण। और ऐसे ही हमारे साथ कनेक्टेड रहना, और ये जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। और बाकी सब लोगों को भी अपने साथ कनेक्ट ज़रूर करवाना इस चैनल के साथ। तो चलो अब धीरे धीरे करते हैं, अभी मैं रेडी हूँ ऑफ़िस के लिए, और अभी 4:30 है, यानी 4 बजे से ऑफ़िस खोलने का टाइम है। तो ऑफ़िस वगैरह खोलते हैं और थोड़ा इंक्वायरी के लिए बैठते हैं, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पर ये हमने ठीक कर लिया है पूरा खुद से, और चढ़ चढ़ के ऊपर सारा सही हो गया है। ये देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है काले तिल, और काले तिल यानी वही जो जिसे लड्डू बनते हैं। तो शायद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग, मैं खुद इसको पहली बार देख रही हूँ। और कुछ इस तरीके से इसमें लगते हैं, और इसको ना चुन्नी के ऊपर या किसी कपड़े से लपेट देना होता है। ये देखिए अंदर से इसमें कितने सारे जो है वो तिल है, ये देखिए ये सीड्स। और इसको चुन्नी में इसलिए लपेटा जाता है ताकि इसी में इसको सुखाया जाए, और जब सूखते हैं तो ये खुद उसमें निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और नीचे नहीं गिरते फिर वापस। तो यहाँ देखिए ये सूख गया है, और सूखने के बाद देखिए ये जो है ये कुछ नीचे गिर गया है, और बाकी जो है थोड़ा सा अगर इसको हिलाएंगे तो ये भी जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो तिल है ये बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और सर्दियों में आमतौर पर इसके लड्डू बनाए जाते हैं जो कि बहुत टेस्टी होते हैं। मैंने पिछले एक व्लॉग में बनाया भी था, ये देखिए मैंने सिर्फ देखने के लिए लेके आई थी। और ये देखिए पहली बार मैंने देखा कि काले तिल जो है वाकई कितने शाइनी है ये। और ये मेरा ऑफिस का टाइम है, अभी ऑफिस यानी स्टूडेंट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ इंक्वायरी के लिए बैठ सकते हैं, एडमिशन्स के लिए बैठ सकते हैं। तो बस मैं अपने ऑफिस में ही बैठी हूँ। और ये है आदि, अपने दादू के साथ जा रहा है, और हम लोग गेट के बाहर है, और ये हमारे को देख के भी जो है वो मतलब रुका नहीं, और बोलता है और घुमाने ले चलो। और आगे जो है वो एक शॉप है, वहाँ पर ये जो है वो बिस्किट दिलाने ले जा रहा है दादू को। ये देखिए अब वो वहाँ से आ चुका है, और इसका अभी भी मतलब मन नहीं भर रहा है, या अभी भी ऐसा लग रहा है पापा को ले जा रहा है कि भाई चलो। और ये देखो पापा बोल रहे हैं कि चलो वापस जाना है, घर की तरफ जाना है, यहाँ पर हमारी एकेडमी है तो मतलब इस तरफ को आना है। तो ये बोल रहा है कि नहीं जाना है, अभी पापा को और खींच रहा है ये आगे की तरफ कि मुझे अभी और आगे खेलना है। और ये देखो कैसे खींच रहा है ये पापा को। और एक चीज़ आप इसमें और नोट करिएगा, पापा जैसे गाड़ी को रोकते हैं आने के लिए, ये देखो कैसे खींच रहा है ये, तो वैसे ये भी जब इसको रोड क्रॉस करना होता है तो ये भी गाड़ियों को जो है वो रोकने की कोशिश करता है। ये देखो ये देखिए थोड़ा सा दिखाने के, ये देखिए थोड़ा दिखाने की कोशिश की है, शायद आप नोट कर पाए होंगे। तो ये काफ़ी चीज़ें सीख गया है दादू के साथ रहते रहते। और बाकी दोस्तों वही सब सब्जी भाजी, इसके बिना दिन नहीं होता है।
तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये था पार्सल आया हुआ है और इसको वापस से मैंने सैनिटाइज़ किया है। कुछ आपको गीला गीला दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे, जैसे ये है लैक्मे का ही 9 to 5 वाला जो हमारा लूज पाउडर है वो, और एक प्राइमर मंगवाया था। ये लैक्मे का ही, 9 to 5 तो नहीं है, ये लैक्मे का ही है, ठीक है। ये देखिए, और 9 to 5 वाला प्राइमर मंगवाया था। ये एलो एक्वा प्राइमर है, जेल है, यानी एलो एक्वा जेल, जो कि एलोवेरा ही है, प्योर एलोवेरा लिखा है। बस इसमें थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, परफ्यूम वाली स्मेल है, खुशबू है यानी। और बाकी आपको बताती हूँ इसका डिटेल से मैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये लैक्मे 9 to 5, थोड़ा सा फोकस हाँ अभी आया, एलो एक्वा जेल है। और इसका पैकिंग बहुत अच्छी है इसकी, इसका ये जो डब्बा है बहुत अच्छा है। और ये कुछ इस तरीके से प्योर एलोवेरा जो है वो दिखता है। बस एलोवेरा में जो है वो खुशबू नहीं होती जो प्योर होता है, और इसमें जो है वो बहुत अच्छी खुशबू है। और बाकी लगाने से वैसा ही लगता है, स्किन में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन जो है बहुत ज़्यादा हाइड्रेट अच्छा फील करती है। जो ड्राइनेस होता है वो ड्राइनेस नहीं फील होता है, तो इसलिए ये मुझे जो था वो बहुत ज़रूरी चाहिए था। तो दोस्तों मैं लगाने वाली हूँ ये लैक्मे का ब्लश एंड ग्लो शीट मास्क, और देखते हैं ये जो है, मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बताती हूँ। और पहले सबसे पहले फेस क्लीन कर लेती हूँ, मैंने फेस वॉश नहीं किया है, तो फेस अच्छे से वॉश करके आती हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं बताती हूँ कि ये कैसा था। ये मैंने थर्ड या फोर्थ टाइम यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद बताती हूँ इसका एक्चुअल रिज़ल्ट जो है वो कैसा रहता है। तो ये है दोस्तों कुछ इसकी इस तरह की पैकिंग, लैक्मे ब्लश एंड ग्लो। और ये देखिए कुछ इस तरीके से लेमन बेस्ड शीट मास्क है। और बाकी यहाँ पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 हाउ टू यूज़ में दिए गए हैं, तो इजीली जो है आप इसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर इसका प्राइस 100 रुपीज़, बाकियों का 99 होता है, कोई खास। तो यहाँ पर फेस अच्छे से जो है वो वॉश हो चुका है, और ये देखिए, और अब अप्लाई कर लेते हैं शीट मास्क। और जब भी ड्राई लगे मैं 15 डेज में 1 टाइम एक बार यूज़ कर ही लेती हूँ। और अभी ऐसे 2 मंथ पहले जो था ये सब चीज़ें नहीं थी, तो उस समय जो घर पे ही चीज़ें थे या घर का ही फेस मास्क था वो मैं यूज़ कर लिया करती थी, क्योंकि यार स्किन को डैमेज करना, रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है, डैमेज करने में कुछ ही टाइम लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर पूरा इसका वो दिया गया है, और अपने फेस के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लो। कोई भी इसमें साइंस नहीं है कि आपको बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत इजीली जो है आप इसको लगा सकोगे। और ये देखिए, और इस थोड़ा सा इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब आ रही है, क्योंकि मैंने जो है ये वीडियो, ये वाली क्लिप मेरे से डिलीट होगी, तो वापस जब इसको किया तो पता नहीं इसने वापस में रिकवर होते हुए इसने क्वालिटी इसकी ख़राब कर दी। तो लेकिन रिज़ल्ट जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी वही सब दोस्तों, फल फ्रूट आधा टाइम घर के कामों में, आधा टाइम बाहर के कामों में निकल जाता है। और बरसात का टाइम आ गया और जामुन जो है वो आ चुके हैं, अगर आपके यहाँ भी है तो ज़रूर लीजिए, उसको अवॉइड मत करिएगा। दोस्तों आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है, मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू ऑल।